अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्धू, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। चिकन टिक्का चंक्स कैसे बनाएंगे वो सिखाएंगे, फिर पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे डॉलन्स के अवन में वो सिखाएंगे, डो भी पूरा स्क्रैच से बनाएंगे और हम पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे डिपिट का, ठीक है। और आज हम पाउंड केक बनाएंगे, लेकिन मार्बल पाउंड केक, चॉकलेट एंड वनीला का फ्लेवर, बहुत मज़ेदार सा रिंग मोल्ड मेरे पास है, उसमें बना देंगे। सो विल डू दैट। सबसे पहले ऑब्वियसली, वैसे तो हम हमेशा बेकिंग पहले कर देते हैं लेक, ताकि वो हम उसको निकाल सकें और फ्रॉस्ट कर सकें, लेकिन आज हम पाउंड केक को फ्रॉस्ट नहीं करेंगे। आप चाहें तो चॉकलेट बटर क्रीम के साथ फ्रॉस्ट कर दें, या फिर गनेश के साथ कर दें, या वाइट एंड डार्क चॉकलेट मेल्ट करके अलग अलग उसको ऊपर पाइप कर दें, या सिर्फ चॉकलेट चिप्स डालें। ये वैसे एक टी टाइम केक है, इट डजंट नीड एनी फ्रॉस्टिंग या डेकोरेशन या कुछ भी गणेश या कुछ, सिंपल प्लेन वैसे ही अच्छा लगता है। आप पाउंड केक को किसी लोफ टिन में बनाएं, मैं इस तरह आज रिंग के शेप में, रिंग मोल्ड में बनाऊंगी। सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट वेज यू कैन डू इट, ठीक है। एक चीज़ याद रखनी है, एक ही बैटर बनाना है, उसको थोड़ा सा निकाल के कोको पाउडर के साथ मिक्स करना है और बस फिर मार्बल करना है। मार्बल इफेक्ट कैसे देंगे केक को वो मैं आपको सिखाऊंगी। सबसे पहले, चूंकि हमें पिज़्ज़ा के डो को राइस करने रखना है, खमीर की कोई भी चीज़ आप बनाएं तो हमेशा याद रखें कि खौलता हुआ पानी नहीं हो, नीम गर्म हो, लूक वार्म हो। तो पानी मैंने यहाँ गर्म करके रेडी करके रख दिया है, इसलिए कि अगर आप खौलता हुआ पानी डालेंगे तो खमीर यानी यीस्ट जो है वो क्या होगा, खमीर मर जाएगा, ठीक है। चीनी, नमक मेरे पास है, यहाँ मैदा है। अब हर चीज़ मैं पहले इसमें डाल देना चाह रही हूँ। मेरे पास यहाँ 2 कप मैदा है, आपके पास ये 2 हुक वाला बड़ा मिक्सर नहीं हो, मास्टर शेफ नहीं हो तो प्लीज़ परेशान नहीं होइएगा, वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, हाथ से गूंथ सकते हैं, फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं। इसमें नमक जाएगा, फिर इसमें चीनी जाएगी। याद रखिएगा प्लीज़ एक बात के खमीर की जो भी चीज़ हो उसमें हमेशा थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक जाता है। कुछ लोग कहते हैं हम डायबिटिक हैं, हम क्या स्किप कर सकते हैं चीनी को, थोड़ी सी डालिएगा, चुटकी भर डालिएगा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। तो ये चीनी चली गई, ठीक है। फिर इसमें आप डालेंगे, देखें ये है खमीर। नाउ इफ़ यू विल लुक क्लोजली या कैमरा कैच करेगा तो ये खमीर जो है ये छोटे छोटे बहुत बारीक से छोटे से ग्रैन्यूल्स टाइप हैं, ठीक है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये है वैसे बाहर का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, एक बड़ा सा सैशे टाइप, डब्बा टाइप, इतना बड़ा होता है। उसको लाइए, खोलिए, इस्तेमाल जितना करना है करिए। दूसरा, ऐसे खुला कबर्ड में या काउंटर पे या किचन में नहीं रखिएगा, फ्रीज़र में रख दीजिएगा, बॉटल्स भर के फ्रीज़र में रख दीजिएगा, वरना ख़राब हो जाएगा। खमीर मैं 6-6 महीने, 1-1 साल तक इस्तेमाल करती हूँ फ्रीज़र में से निकाल के, जमता नहीं है, इसी तरह रहेगा, ये फ्रीज़र का है, ठीक है। अब ये आपने पूरा डाल दिया 1 चमचा भर के, और क्या बाकी रहता है, ऑलिव ऑयल है, रेगुलर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हेल्दियर वर्जन ऑफ ऑलिव ऑयल है ये, और नीम गर्म पानी है, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले डालेंगे और हम ये, क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा इसको हम बस हमें मिक्स करके रखना है। मिक्स करके रखेंगे, फिर एक बोल लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लगाएंगे और फिर उस डो को हम राइज होने के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे, ताकि ज़रा थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाएगा। एंड देन व्हाट वील डू इज़ वील टेक इट आउट, और हम यहाँ जो मेरे पास एक ट्रे है जो हमारे डॉलन्स के अवन में जाएगी, उसमें निकाल के रखेंगे, फिर चिकन टिक्का बनाएंगे, उसकी टॉपिंग्स डालेंगे, चीज़ डालेंगे, फिर दोबारा उसको राइज करने के लिए रख देंगे, जो कि कहलाता है डबल प्रूफिंग, 2 दफ़ा प्रूफ करते हैं, ठीक है। पहले देखें, हल्के से मिक्स करिएगा इसको, मैदा था, चीनी, नमक, खमीर, तेल यानी ऑलिव ऑयल यूज़ किया था और गर्म पानी, थोड़ा सा मिक्स करिए, फिर थोड़ा सा गर्म पानी डालिए, 3/4 कप से 1 कप जितना गर्म पानी जाना चाहिए, नीम गर्म पानी हो, दूध भी डालते हैं लोग इसमें, दूध का पाउडर डालते हैं, अंडा डालते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है, जिसको हम मिक्स करके रख देते हैं, ठीक है। नाजरीन, ब्रेक की तरफ हमें जाना है, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज।
वेलकम बैक। आज हमारे शो पे है वाउच 365 की एप्लीकेशन बुक्स, जिसमें बहुत अच्छे बाय वन गेट वन फ्री कूपन्स हैं। एबटाबाद, फैसलाबाद, भावलपुर, इस्लामाबाद, उसके अलावा कराची, पेशावर, हैदराबाद, लाहौर एंड मुल्तान के रहने वाले लोग जो हमारे हैं, व्यूअर्स जो हमारे हैं, वो मुझे ज़रा मैसेज करिए 888 पे, अगर आपको जीतना है ये वाउच 365 की बुक्स। मैं आज पूछूंगी पिज्जाज के नाम, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर यानी आईडी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा और एसएमएस करिएगा 888 पे। अच्छा, आपके सामने मैंने 2 कप मैदा लिया था, छान के एक बोल में डाल दिया था, चुटकी भर चीनी डाली थी, 1 टीस्पून नमक डाला था, 1 टेबलस्पून भर के इंस्टेंट यीस्ट पाउडर डाला था, और मैंने, आप चाहें तो 1 अंडा डालें, चाहें तो आप 2 चमचे मिल्क पाउडर डालें। मैंने गर्म पानी डाला था, 1/2 से 3/4 कप पानी जाता है 2 कप मैदे में, और उसके अलावा 2 चमचे ऑलिव ऑयल के डाले थे, गूंद के मैंने आटा रख दिया था, डो का, पिज्ज़ा डो का, ठीक है। ये देखें, ठीक है जी, क्लिंग लगा दीजिएगा और ऑयल कर दीजिएगा बोल को, और आप इसको किसी भी गर्म जगह में रख दीजिएगा। समर में तो बहुत जल्दी हो जाएगा, गर्मियों में तो बहुत जल्दी राइज हो जाता है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा टाइम लगता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया, अब एक चीज़ हो गई, चिकन टिक्का चंक्स बाद में बनाएंगे, पूरा सब कुछ करेंगे। जो भी चीज़ आप खमीर की बनाएं, पहले तो उसको डो को आप राइज होने के लिए रखें, उसके बाद उसका शेप दे दें, और दूसरा प्रूफिंग, सेकंड प्रूफिंग जो कहते हैं, वो करिए, ठीक है। और उसके बाद जो टॉपिंग्स डालने हैं, जो कुछ भी डालना है, वो सब कुछ हम करेंगे। डिपिट का हम पिज्ज़ा सॉस डालेंगे, चिकन टिक्का चंक्स जाएंगे, वो बना के हम करेंगे। बहुत सिंपल है, अपने ही खरीदिए, घर में बनाइए मेरी तरह। और जो सब्जियां डालनी हैं, चीज़ वगैरह डालना है, दोनों चीज़ मैंने कंबाइन किए हैं, चेडर और मोज़रेला। आप पार्मिजान डाल सकते हैं, ग्रुयेर डाल सकते हैं, जो भी आपके पास कुछ भी घर में अभी हो। फिलहाल नखरे ज़्यादा नहीं करते हैं, जो कुछ हो घर में वो इस्तेमाल करिए, और अपने घर वालों को, ब्रदर्स को, अब्बू को, हस्बैंड्स को तंग नहीं करें कि बस यही जाके लाएं, यही जाके लाएं। घर में जो चीज़ें उससे बनाएं, उससे खाएं, और बस बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी एंड स्टे सेफ, ठीक है। ग्रोसरी करने के लिए रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मसले हैं ग्रोसरी करने के टाइम पर भी। चलिए अब हम मार्बल पाउंड केक बनाते हैं। यहाँ है मेरे पास कोको पाउडर, ठीक है, उसमें हम डालेंगे दूध और इसको छोड़ देंगे यहाँ, ये हम मिक्स करेंगे आधे बैटर के साथ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम वेनिला वाला बैटर बनाएंगे, फिर हम आधा बैटर इसमें डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे, और इसके बाद फिर हम जाके केक को मार्बल्ड करेंगे। जस्ट अ पाउंड केक, 2 कप मेरे पास मैदा है, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/4 टीस्पून नमक जाएगा इसमें, 8 ounces पीका अनसॉल्टेड मक्खन है, 1 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, 2 अदद अंडे हैं, वेनिला एसेंस है और दूध है। आज हमारे कॉलर्स कहाँ हैं डायरेक्टर साहब, ज़रा फ़ोन नंबर चलाइए स्क्रीन पे ताकि सब फ़ोन करें और हम बात करें उनसे। चलिए अब मैं मक्खन लेती हूँ, मगर पहले मैं स्पैचुला लेती हूँ। फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, मैं somehow बेकिंग में हमेशा फीका अनसॉल्टेड मक्खन यूज़ करती हूँ, कभी मैं माजरीन नहीं यूज़ करती हूँ, और ना ही मैं कभी नमक वाला मक्खन यूज़ करती हूँ, अनलेस मैं बताऊँ, ठीक है। पीसेंगे नहीं, फेंटेंगे, बीट करेंगे, फिर उसमें पिसी हुई चीनी डालेंगे। सॉफ्ट मक्खन होना चाहिए, फ्रिज में से निकाल के रखिएगा, अंडे भी ठंडे नहीं होने चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये सारी बातें बेकिंग के वक्त याद रखिएगा। बार बार मैं बोलती हूँ, बार बार याद दिलाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेंगी कि कॉमन सेंस है, लेकिन नहीं, कॉमन सेंस इज़ एक्चुअली नॉट कॉमन। अब इसमें हम 2 अदद अंडे डालेंगे, क्या हुआ, कोई कॉलर थी, आई और चली भी गई, ज़रनक को पता ही नहीं चला। अच्छा, यहाँ है मैदा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और बेकिंग पाउडर, ठीक है, और हम अब इसमें वेनिला एसेंस भी शामिल करेंगे, अंडे की स्मेल नहीं आए, ठीक है, डन, एंड मिक्स इट अगेन।
अब मैदा, नमक, बेकिंग पाउडर चला गया। आप सोचेंगे मैं दूध कब डालूंगी, एक मिनट आप वेट कर लीजिए, पहले ये पूरा बैटर बन जाए उसके बाद। जल्दी जल्दी हाथ चलाने पड़ते हैं। यहाँ इस वाले सेट पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे का शो हो गया है मेरा, जिस तरह इतना सारा काम होता है, बिकॉज रिदा का 3:30 ख़त्म होता है, मेरा फ़ौरन शुरू हो जाता है उसी सेट से ना। चलें, ये ज़रा थोड़ा सा हल्का फुल्का ऐसे मिला के फिर हम दूध डालेंगे इसमें। बहुत पतला नहीं करना है, लेकिन दोनों बैटर्स ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी के होने चाहिए। उठाएं चमचा, ऐसे करें, गिरने चाहिए, ठीक है, तो ही आप इसको मिक्स कर सकेंगे। आप चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं चॉकलेट वाले मिक्सचर में, यू कैन डू ऑल दोज थिंग्स इफ यू वांट, बट आई डोंट थिंक आई विल। ये दूध चला गया। मार्बल करना है ना हमने, अब देखें हम क्या करेंगे। नहीं, ब्रेक नहीं, ये देखना ज़रूरी है। चलो अगर लेनी है ब्रेक तो फिर ले लेते हैं, लेकिन मुझे फिर बेक करना है ये सालिक। अच्छा चलो ब्रेक ले लो फिर, क्योंकि मुझे बेक मार्बल केक का जो पूरा जो मज़ा है वो कैसे मार्बल करते हैं चॉकलेट एंड वेनिला बैटर वही है, तो जल्दी से ब्रेक पे चलें फिर। वेलकम बैक, रिंग मोल्ड, ठीक है, कोई भी टिन ले लें, किसी भी चीज में कर लें जनाब। ग्रीस कर दीजिएगा मक्खन या तेल के साथ और अच्छी तरह साइडों पे भी, ताकि केक आराम से निकल आए। एक्सेस हो तो फिर वाइप इट ऑफ, विच आई थिंक आई विल, बिकॉज दिस इज अ बिट टू मच। पता है क्या, तेल ही है ना इसमें डाल देंगे, इसलिए कि हमें अभी करना है क्या, चिकन बनाना है, तो ज़ाया नहीं करते हैं कुछ भी। अच्छा जी, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ डू यू मार्बल द केक, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे अभी मेरे साथ साथ अगर बेकिंग कर रहे हैं उनके लिए ये है। ये देखें अभी गौर से प्लीज़, दोनों बैटर्स अलग अलग हैं, चॉकलेट आपने डाला, थोड़ा सा बचाते हैं, फिर आपने वेनिला डाला, इधर उधर यहां वहां ऐसे वैसे, ठीक है, इधर उधर यहां वहां ऐसे वैसे केक का बैटर डाल दिया। अब क्या करेंगे पता है, छुरी लेंगे और इसको हम स्वर्ल कर देंगे ऐसे करके, ठीक है जनाब, और भी बैटर बचता है, पूरा जाएगा इसके अंदर, सो फॉर दैट आई नीड अ स्पैचुला टू वाइप इट ऑल ऑफ। हमारे बोल में से निकाल के पूरा बैटर हम डाल देंगे, वेस्ट कुछ भी नहीं करेंगे, फिर दोबारा स्वर्ल करेंगे, आप देखिएगा। ये हो गया, अब ये डालेंगे, आज हमारे शो पे बहुत सारा काम है, बहुत हबड़ दबड़ है, भाग दौड़ है, रनिंग अराउंड है, और क्या बोल सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो जारनक करना चाहती है लेकिन अभी नहीं कर सकती ना, क्योंकि अभी हमें काम करना है बहुत सारा। एक और दफा छुरी या कांटा ले लीजिए और स्वर्ल इट, ठीक है, जब ये बेक होके निकलेगा ना इतना मजे का लगेगा, आप देखिएगा। टैप
wrap and put to bake. ठीक है जी, हाथ धोते रहिए, कोरोना वायरस से बचिए, स्टे सेफ, मास्क पहनिए, बाहर जाएं तो ज़रूर ग्लव्स पहनिए। अब हम चिकन टिक्का चंक्स बनाएंगे 2 मिनट में ऐसे करके। तेल हो गया गरम, उसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन जूस, अदरक लहसुन, चिकन और तंदूरी मसाला पेस्ट या टिक्का पेस्ट, वट एवर यू हैव। ठीक है, नहीं हो आपके पास चिकन टिक्का चंक्स, बाहर जाके खरीदिएगा, नहीं प्लीज़। अदरक लहसुन मसाला, टिक्का पेस्ट, तंदूरी पेस्ट, वट एवर यू हैव। चिकन छोटे पीसेस करके, एक चिकन ब्रेस्ट ले लीजिएगा, थोड़ा सा लेमन जूस। कुक 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 और बहुत थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर, जो कि कहाँ चला गया पानी। ओके, इट इज और जल्दी जल्दी इसको हम पकाएंगे, फिर डो को देखते हैं, डो कहाँ तक पहुँचा। ये देखें, राइज हो रहा है और राइज हो रहा है, और लुक एट दिस टॉप, लुक एट द क्लिंग ऑन टॉप। ठीक है, इसको टाइम लगेगा, आज का शो 2 घंटे का होना चाहिए था। सो मच टू डू, वक्त का मुकाबला सख्त है जनाब। कॉलर्स मुझे लग रहा है सो गए हैं। SMS तो करते रहिए, अगर जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स। ये चिकन को हम पका देते हैं और फिर हम क्या करते हैं, देखिए मैं बताऊं क्या है। चेडर और मोज़रेला चीज़ तो है, प्याज है और शिमला मिर्च है, पिज्ज़ा सॉस डिपिट का जाएगा, नमक का काम ख़त्म, हरे और काले जैतून हैं। टिन में, डिश में, जिसमें भी आप कर रहे हैं, इसमें आप, बहुत सारा डो है, ये 2 बन जाएंगे, तो मैं आधा करके इसको यहाँ बिछा दूंगी, उसके ऊपर हम पिज्ज़ा सॉस डिपिट का डालेंगे, स्प्रेड कर देंगे, फिर थोड़ा सा चीज़ भी डालेंगे कि वो पूरा टॉपिंग उसके ऊपर से स्लाइड ऑफ नहीं हो जाए। चिकन डालेंगे, प्याज डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, चीज़ और डॉलन्स के अवन में रख देंगे। ठीक है जी, आप भी ज़रूर बनाइएगा। क्या कह रहे हैं फ़ोन? अच्छा जी, हेलो हेलो। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं कराची से बोल रही हूँ, आपकी बहुत पुरानी कॉलर, अभी एक नाम लूँगी ना तो आप पहचान जाएंगी। अच्छा, कौन? मैं वही हूँ जो आपको कॉल करती थी और आपकी दोस्त आला की भी बड़ी फैन। अच्छा, याद आ गया, पहचान लिया। कहाँ गायब है आप? गायब कहीं भी नहीं हूँ, प्रोग्राम तो देखती हूँ, डिशेज भी ट्राई करती हूँ, मगर कॉल नहीं लगती ना। आज भी कॉल लगी थी तो फिर कट हो गई थी। अच्छा, फिर दोबारा मैंने मिलाई है, अभी इनको बोला कि भाई मेरी कॉल कट हो गई थी, मेरी बात करवाएं दरनर से ना। थैंक यू, बहुत बहुत खुश रहें, बहुत बहुत हिफाजतों में रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, पूरी फैमिली को, पूरी टीम को, पूरे मताना चैनल को, सबको अपनी अमान में रखे परवरदिगार। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी आज बात हो गई बिलाखिर आपसे ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। गई ना, वो मेरे आला को भी मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत दुआ कहिएगा। आई होप आला देख रही हैं आज शो, तो बहुत खुश होंगी कि अभी तक लोगों को याद है, 5-6 साल पुराने। बिल्कुल याद है, मैंने अभी भी आपका देखा था प्रोग्राम, जो आपकी गेस्ट वगैरह आई थी ना आपकी। अच्छा। जो बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं भी इंजॉय कर रही थी आपके साथ साथ ना, आपकी मस्तियाँ अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू, थैंक यू। आपका मजाक करना, हंसना बोलना सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ जी, मैं भी हंस रही होती हूँ आपके साथ साथ, एंजॉय कर रही होती हूँ, इसीलिए तो आपको एंटरटेन करते हैं हम ना, चुपचाप खड़े होके तो कुकिंग नहीं होती ना मुझसे। नहीं, कुकिंग अच्छी करती हैं। नहीं, चुप चुपचाप खड़े होके, चुपचाप खड़े होने की बात है ना, मुश्किल है बहुत। बिल्कुल, मैं भी आपकी जैसी हूँ, मुझे भी मस्ती मजाक बहुत चलता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप भी खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हर मुश्किल की घड़ी में भी मुस्कुराते रहना चाहिए भाई, क्या पता। चलो भाई, बहुत बातें हो गई आज और अब हमें ये करना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर इज लेस टाइम टुडे। आप लोग प्लीज़ 1 घंटा इसको करिएगा। हाँ, नाउ पंच इट डाउन, और इसको आपने इस तरह बीट करना है और आपने इसको बंद कर देना है, पिज्ज़ा
का जो टॉपिंग है हमारा, दिस इज़ डन। इसको मैं किसी चीज़ में निकाल देती हूँ बिकॉज वरना ये जलेगा। ये आपके चिकन टिक्का चंक्स, दो मिनट में रेडी। सोचें, नो नीड टू गो एंड बाय। अब झटपट वाला काम, इसको आपने थोड़ा सा बैंग करना है ऑन द काउंटर। आप बेल लीजिए इफ यू वांट टू, सिंस देयर इज लेस टाइम। रोलर हो तो आप कर दीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा दूं ताकि मेरे लिए आसान हो। एंड जस्ट पैट इट डाउन। ठीक है, पिज्ज़ा डो बेहतरीन बन जाता है, ट्राई करिएगा, बनाइएगा इसी तरह। अच्छा, अब क्या करेंगे आप, डिपिट का पिज्ज़ा सॉस डालेंगे। टाइम्स रनिंग शॉर्ट गाइज, आई नीड 10 मिनट्स मोर। बताएं उनको मुझे 10 मिनट चाहिए। आपने लिया डिपिट का चमचे, कहाँ हैं चमचे। पहले तो आपने थोड़ी सी चीज़ डाली, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ चीज़ ऑन द बेस। ठीक है जनाब, फिर आपने पिज्ज़ा सॉस डाला, डिपिट का पिज्ज़ा सॉस डालिए एंड जस्ट स्प्रेड इट थोड़ा सा और। और उसके बाद हम डाल देंगे चिकन टिक्का के पीसेस जो आपने हमारे साथ अभी पकाए हैं। चिकन तंदूरी मिक्स ले लें या कोई भी तंदूरी पाउडर मसाला जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। थोड़ा सा अदरक लहसुन, और मैंने इसमें डाला है लेमन जूस एंड चिकन, दैट्स इट। आई एम आउट ऑफ ब्रेड टुडे गाइस, आप लोग इतना भगा रहे हो मुझे आज, मुझे भगाओ नहीं प्लीज़। अच्छा, अब हम प्याज डालेंगे थोड़ी सी। डायरेक्टर साहब को भूख लग रही है ज़्यादा, मुझे आपकी आवाज़ यहाँ आ रही है ना, इसलिए कह रही हूँ आपको भूख लग रही है। आप समझ जाइए ना, ये कोड वर्ड है हमारा, समझे ही नहीं, चलें अब इसके ऊपर बहुत सारा चीज़ जाएगा, आज बहुत मार पिटेगी मुझे। और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर हरा और काला जैतून डाल देंगे। जैतून, कम ऑन कम ऑन, प्रेस इट डाउन। और हम हाथ धो लेंगे और फिर हम डॉलन्स के इस अवन में रख देंगे इसको बेक होने के लिए। आप इसको इस स्टेज पे फ्रीज भी कर सकते हैं, आप हाफ बेक डो को फ्रीज कर दीजिए, फुल डो बना के फ्रीज कर दीजिए। ठीक है जी, नज़र आ रहा है कि खोल के दिखाऊं, ये नहीं नज़र आ रहा ना, सो आई विल जस्ट शिफ्ट दिस हियर। ये देखें, दिस विल बेक इन नो टाइम। ठीक है जी, चलिए ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए। इसमें हम बना देंगे पिज्ज़ा और अवन में अभी पाउंड केक, हमारा मार्बल पाउंड केक बेक हो रहा है। मेरे को चाहिए ब्रेक, आप लोग लीजिए ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। यहाँ आप देख रहे हैं डॉलन्स के अवन में हमारा पिज्ज़ा बन रहा है, चिकन टिक्का पिज्ज़ा। आप कोई भी टॉपिंग्स डालें, सॉसेजेस, पेपरोनी, वेजिटेबल्स, कुछ भी, एनीथिंग, कॉर्न, दो तीन रंग के शिमला मिर्च, मकई, मटर, मटर नहीं, क्या कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़, कुछ भी प्लेन चीज़ कर दें, बेजल के, तुलसी के पत्ते हों वो डाल दें, लेकिन वो डार्क हो जाते हैं तो आप निकलें फिर ऊपर से डालिएगा। ठीक है, सो दिस इज़ बीइंग बेक्ड, यू कैन सी साइडों से राइस भी हो रहा है हमारा डो। अच्छा, यहाँ केक हो रहा है हमारा मार्बल पाउंड केक, तो मैं अभी कुछ खोल के दिखाना नहीं चाह रही, मैं रीकैप कर देती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया था केक।
दो कप मैदा लिया था, एक टेबलस्पून बेकिंग पाउडर था, एक चौथाई टीस्पून नमक था, 8 ounces फीका अनसॉल्टेड मक्खन था, 2 चमचे भर के मैंने कोको पाउडर लिए थे, ठीक है। कोको पाउडर 4 लिखा है, मेरा बहुत डार्क है, बहुत ड्राई आउट करेगा केक को, तो मैंने 2 लिए थे। हमेशा मैं कोको पाउडर जो इस्तेमाल करती हूँ वो आधा करती हूँ, बिकॉज मेरा बहुत डार्क होता है। 2 अदद अंडे थे, 1 teaspoon वेनिला एसेंस था, 1 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी थी, 1/2 cup टोटल दूध था। बैटर पूरा आपने बना लेना है वेनिला का, और दूध थोड़ा सा निकाल के कोको पाउडर के साथ मिक्स करके एक दूसरे बोल में रख देना है। जब वेनिला केक का बैटर पूरा हो जाए तो उसको निकालिए। 2 बोल्स आपके पास होने चाहिए केक का, जो भी टिन हो उसमें थोड़े थोड़े 1 चम्मच आप डालें वेनिला चॉकलेट, वेनिला चॉकलेट, वेनिला चॉकलेट, इस तरह करते जाइए। और फिर आप स्वर्ल कर दीजिए कांटे से, छुरी से, या फिर स्क्वर से, या बैम्बू स्टिक से, और फिर आप बेक करने रख दीजिए, ठीक है। जब बेक होगा तो पूरा ऐसे मिक्स बहुत अच्छा लगेगा, काट के मैं दिखाऊँ अगर बन जाए जल्दी से तो, ठीक है जी। और चिकन टिक्का चंक्स भी बहुत बहुत ही आसान झटपट मैं बना लेती हूँ। थोड़ा सा तेल गरम करिए, उसमें आप थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए, 1 चिकन का ब्रेस्ट क्यूब्स में छोटे छोटे काट के वो डाल दीजिए, तंदूरी मसाला, टिक्का मसाला, जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा पानी, मिक्स 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 एंड चिकन टिक्का चंक्स आर रेडी, ठीक है। फिर आप निकालिए, फ्रीज करके रख दीजिए इन छोटे छोटे बैग्स में, आपको पिज्ज़ा पे, सैंडविचेस पे, बहुत सारी चीज़ों पे काम आ जाएगा। एंड आई कैन सी द पिज्ज़ा बीइंग बेक्ड, नॉट बैड, और लुक एट दैट क्रस्ट, क्रस्ट को तो देखिए कितना मज़े का साइडों से राइज हो रहा है। आई डोंट नो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, आई कान ओपन इट राइट नाउ, सो एनी वेज ये हुआ है, केक भी मेरा टच वुड राइज हो रहा है। आई होप आप लोग इस तरह बनाएंगे। पिज्ज़ा डो घर में बनाना बहुत आसान है। 2 कप मैदा लीजिए, छान के एक बोल में डाल दीजिए, 1 चुटकी भर नमक, चुटकी भर चीनी डालिए, 1 teaspoon नमक डालिए, 1 tablespoon यीस्ट पाउडर डालिए, इंस्टेंट यीस्ट पाउडर डालिए, और पाउडर ग्रैन्यूल्स दोनों में है, मेरे पास जो है वो ग्रैन्यूल्स का है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा दूध का पाउडर या दूध डाल सकते हैं, अंडा डाल सकते हैं, मैंने दूध और अंडा आज नहीं डाला है। अच्छा, इसमें भी आप फ्लेवरिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा गार्लिक पाउडर कभी कभार डाल दीजिए, कभी कभार आप ड्राई पार्सली डाल दीजिए, ओरिगैनो डाल दीजिए, इसके ऊपर भी, चीज़ के ऊपर भी आप ओरिगैनो डाल सकते हैं, कोई चिली सॉस डाल सकते हैं। सॉसेस से मुझे याद है, वी हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ सॉसेस, डिप इट, courtesy, dip it, ठीक है। और चिली गार्लिक सॉस एंड टोमेटो केचप तो अब सैशेज में भी दस्तयाब है बिकॉज ऑफ रमज़ान। और डिप इट का जो हाबेनेरो सॉस है वो मैंगो फ्लेवर का भी है, और केचप भी उनका हाबेनेरो है। उसके अलावा स्मोकी बारबेक्यू सॉस है, थाई स्वीट चिली सॉस है, हॉट सॉस चिपोटले हाबेनेरो, एंड सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस एंड द रेगुलर चिली सॉस एज वेल। ज़रूर आप भी इस्तेमाल करिएगा, और पिज्ज़ा के ऊपर भी कुछ भी आपको डाल के खाना हो, यू कैन डू दैट। डो इज़ राइजिंग बट I want to give it some more time. अच्छा जी, केक भी राइज हो रहा है। एक और ब्रेक का वक्त है कि नहीं? We had a break. जी तो हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम आएंगे, तो होपफुली बोथ आर थिंग्स आर डन कि हम आपको दिखाएं आज। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपको जीतना है वाउच 365 की कूपन बुक्स, इतने सारे शहरों के लिए अब तो अवेलेबल है, पाकिस्तान के, हमारे मुल्क के कितने सारे शहरों में हम दे रहे हैं ना, तो जल्दी से 888 पे मैसेज करके बता दीजिए पिज्ज़ास के नाम, मसाला एवरी लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर यानी ID कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, और 888 पे SMS करिएगा, इधर उधर फेसबुक पे नहीं लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। मार्बल्ड पाउंड केक, अच्छा, मैदा 2 कप, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, टीका मक्खन 8 ounce, कोको पाउडर 4 खाने के चमचे, चीनी 1 1/3 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, दूध 1/2 कप, तरकीब 3 खाने के चमचे मक्खन पिघला लें, फिर इसमें कोको पाउडर शामिल कर दें, उसके बाद दूसरे बोल में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर फेंट लें। अब बाकी 12 खाने के चमचे मक्खन और चीनी साथ फेंट लें, फिर ये 1/2 बैटर दूध में और 1/2 बैटर मक्खन और कोको पाउडर के मिक्सचर में शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। उसके बाद कोको बैटर को ग्रीस किए हुए लोफ पैन में डालें। अब चमचे से सादा केक बैटर लोफ पैन में शामिल कर दें, फिर चाकू की मदद से बैटर में स्वर्ल बना लें। अब इसे ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। आखिर में लोफ से निकाल के ठंडा कर लें और पेश कर दें। चिकन टिक्का पिज्ज़ा 2 के लिए अज्जा, मैदा 320 ग्राम, नीम गर्म पानी 50 मिलीलीटर,
नमक हसबे जायका, खमीर 7 ग्राम, नीम गर्म पानी 10 मिलीलीटर, ऑलिव बटर 25 ग्राम टॉपिंग के लिए, स्लाइस प्याज 4 अदद, स्लाइस शिमला मिर्च 4 अदद, जैतून 1 खाने का चम्मच, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चम्मचे, पिज्ज़ा चीज़ 85 ग्राम, चिकन टिक्का चंक्स 3/4 कप। तरकीब, बोल में डो के तमाम अज्जा मिलाकर नरम डो गूंद लें, फिर इसे 45 मिनट के लिए ढक दें। उसके बाद डो बेल कर गोल शक्ल दें, अब पैन में डालकर अवन में 10 मिनट बेक कर लें। फिर इस पर पिज्ज़ा सॉस, आधी पिज्ज़ा चीज़, बाकी टॉपिंग्स और पिज्ज़ा चीज़ शामिल करके बेक करें। अब इसे अवन से निकाल कर सॉसेस के साथ पेश करें। चिकन टिक्का पिज्ज़ा डो के लिए अज्जा, मैदा 320 ग्राम, नीम गर्म पानी 50 मिलीलीटर, नमक हसबे जायका, खमीर 7 ग्राम, नीम गर्म पानी 10 मिलीलीटर, ऑलिव बटर 25 ग्राम टॉपिंग के लिए, स्लाइस प्याज 4 अदद, स्लाइस शिमला मिर्च 4 अदद, जैतून 1 खाने का चम्मच, पिज्ज़ा सॉस 2 खाने के चम्मचे, पिज्ज़ा चीज़ 85 ग्राम, चिकन टिक्का चंक्स 3/4 कप। जी वेलकम बैक। केक इज़ डन। अब मैं कैसे आपको दिखाऊँ ना, काट के भी बहुत गर्म है भाई। इट्स टू हॉट अभी। और हमारा पिज्ज़ा भी हो गया है, देखो डो कितना अच्छा यहाँ से राइज हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इसमें टाइम है, ठीक है। सो व्हाट वी डू इज़ आई विल पुट इट देयर। दोनों चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। लुक एट द लवली कलर ऑन टॉप। थैंक्स टू डॉलन्स एंड थैंक्स टू ऑल माय स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन माय शो। थैंक यू सो मच। अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube का चैनल मसाला TV रेसिपीज़।